गुड मॉर्निंग माय स्वीट स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन की हमारी लेसन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज लेसन नंबर 8 को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हम क्या स्टडी करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट समरीज के अंदर स्टडी करने वाले हैं और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आप पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन कैसे परफॉर्म कर पाएंगे वो भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। इससे पहले जो व्यूवर्स या स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज आप लेक्चर नंबर 5, 6 एंड 7 को एक बार देख लीजिए तो आपकी इसकी डिटेल स्टडी पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन की डिटेल स्टडी विथ मैकेनिज्म आपको पता चल जाएगी। एट प्रेजेंट टाइम भी मैं मैकेनिज्म आपको समझाने वाला हूँ, फिर भी आप लेसन 5, 6 एंड 7 को एक बार रिव्यू कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे शॉर्ट ट्रिक एंड इम्पोर्टेंट समरी से। चलिए देखिए आपके पास पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन के लिए क्या दे रखा होगा, आपके पास सपोर्ट के लिए एक स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, दिस वन इज साइक्लोहेक्सीनोन। ठीक है, तो पहले स्टेप में इसके अंदर कोई भी अभी सेलेनियम डेरिवेटिव जुड़ा हुआ नहीं है तो सेलेनियम डेरिवेटिव जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, पहले स्टेप में दे रखा होगा कोई बेस लाइक सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, LHNDS, LDA या ट्राइएथिल एमीन। ये सब बेस क्या करते हैं, ऑल ऑफ दिस बेस आर एसिडिक प्रोटॉन फ्रॉम द मोर एसिडिक प्रोटॉन। तो मोर एसिडिक प्रोटॉन, अब ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो इस पोजिशन से भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, इससे भी हो सकता है। सपोज हमने एक पोजिशन से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट किया, ये ए है ये बी है, ओके। तो ए प्रोटॉन से मैंने एक पोजिशन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे कार्बोनियन बनेगा, उसके बाद इन्वोलेट होगा, फिर इन्वोलेट का एल्किलेशन करवा सकते हैं या किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हम सेकंड स्टेप में क्या ले रहे हैं, फेनिल सेलेनिन क्लोराइड, या फिर हम ले सकते हैं फेनिल डाइसेलेनिन फिनाइल या फिर फेनिल सेलेनिन ओटीएफ। ये सभी की सभी एक ही चीज है, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहाँ पे आपके पास मिल रहा है इलेक्ट्रोफाइल एज अ सेलेनिन पीएच, आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है। तो इनहेलेट ये जो सेलेनियम पीएच है वो एक पोजिशन के ऊपर जाके कंबाइंड होगा। ठीक है, अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अप या डाउन दोनों हो सकती है। फिर जो एक पोजिशन है इसके अल्फा पोजिशन में ये कौन है, ये रहेगा आपका सपोज ये कोई कार्बन है सी, सी के ऊपर दो प्रोटॉन है। अब इसका होगा ऑक्सीडेशन सेलेनियम का, आप क्या कराओगे ऑक्सीडेशन H2O2 से या कोई और भी एसिड दे रखा, लाइक पर एसिड आपके पास दे रखा होगा, सेलेन ऑक्साइड बनेगा। सेलेन ऑक्साइड सी कार्बन के में सिन हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। अब यहाँ पे दो प्रोटॉन है, एक अप रहेगा एक डाउन रहेगा, तो एक पोजिशन पे सेलेनियम की कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री रहे आपके पास सी पोजिशन पे उस स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए रिलेटिव प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, यानी अप भी प्रोटॉन है और डाउन भी प्रोटॉन है। इट मीन्स आपको ए और सी के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा आफ्टर द सिन एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये मेरा ए पोजिशन था दिस वन एंड ये मेरा बी पोजिशन था, सॉरी सी पोजिशन था, तो इसके बीच में आपको बनाना है डबल बॉन्ड। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक से बन गया प्रोडक्ट वायस, ये पूरे के पूरे 3 स्टेप का प्रोडक्ट मैंने शॉर्ट ट्रिक में बना दिया। ठीक है, एलिमिनेट यानी ये सिन एलिमिनेशन के द्वारा प्रोडक्ट था। अब चलो इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि मैकेनिज्म सही आया कि नहीं। आपने पहले स्टेप में बेस लिया तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसका फिर इनवॉल्ट बनेगा। ठीक, इनवॉल्ट बनने के लिए क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो मैंने यहाँ पे इनवॉल्ट बना देता हूँ। ठीक, सॉरी, इनवॉल्ट बनने के बाद भी अब क्या होगा, आपने इनवॉल्ट तो बना दिया, फिर उसका होगा पीएच एसी सीएल से रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल एसी पीएच आपको इस पोजिशन के ऊपर अटैच रहेगा और वो मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के शो करता है वेवी लाइन से। इट मीन्स या ये तो अप हो सकता है या डाउन, तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, आप H2O2 प्लस हिट कर रहे हो तो सेलेनियम जो हिटो एटम है इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, दिस वन इज वेवी लाइन से मैं इसको शो करता हूं सेलेनियम, ये ऑक्सीडेशन ऑक्साइड बन गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये पीएच। ठीक है, अब यहां पे इसके नेबरिंग कार्बन पे दो प्रोटॉन है, अप हो रह सकता है या डाउन रह सकता है। ठीक है, तो सपोज ये अप में प्रोटॉन है ये डाउन में है, और सपोज की जो वेवी लाइन वाला सेलेनियम है वो अप फेस के अंदर है। ठीक है, तो अब आपका क्या हुआ, सिन एलिमिनेशन, ये नेगेटिव चार्ज एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर हुआ और सेलेनियम गेट एलिमिनेट। तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा सेम जैसा कि मैंने प्रीवियस टाइम में बताया था, यहां पे और यहां पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये हो मेरा प्रोडक्ट, जो शॉर्ट ट्रिक से मेरा प्रोडक्ट निकला, देखिए दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट आर को रिलेटेड, दोनों के दोनों सेम है।
तो हम तीन स्टेप हमारे पास एरो के ऊपर दे रखे हैं, तो डायरेक्ट आप अल्फा बीटा पोजिशन के ऊपर या अल्फा दिस वन बीटा के ऊपर आप डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक। अब इसकी जो मेन समरी है, एक जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको केस वन है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल एंड स्टार्टिंग मटेरियल में एक बेंजीन रिंग है और सेकंड साइड के अंदर है आपके पास इलेक्ट्रॉन फाइव मेंबर, और ये जो दो प्रोटॉन्स है इस मिड पॉइंट के ऊपर दोनों बिलो द प्लेन दे रखे डॉटेड प्लेन, मतलब ये जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा, ये स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा पकर्ड स्ट्रक्चर रहेगा, मीन्स ये दोनों जो बेंजीन और फाइव मेंबर रिंग है वो व्यूअर की साइड बाउंड रहेगी, यानी व्यूअर की साइड में इसमें ये एंगल है, मैं एंगल को आपको रिप्रेजेंट करता हूं ग्रीन से, सॉरी ये पिंक से, ये जो एंगल है आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में जो एंगल दिख रहा है वो जो आपका रहेगा वो लेस देन 180 डिग्री रहेगा, यानी जो इसका इनर पार्ट है वो मोर स्टेरिक इंडेंस रहेगा, बट जो आउटर पार्ट है या डॉटेड साइड की ओर जो पार्ट है व्यूअर साइड है वो ओपन पार्ट रहेगा, वहां से कोई इलेक्ट्रोफाइल आके कैचअप हो सकता है। ठीक, तो केस वन में क्या दे रखा होता है कि पहले स्टेप में एलडीए विद पीएस सेलेनियम सीएल दे रखा होता है, और सेकंड पार्ट रहता है इसके एलडीए विद मेथाइलेशन, एंड फोर्थ यानी कि लास्ट पार्ट रहता है H2O2। और केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में ये जो थ्री नंबर एंड फोर नंबर का स्टेप है उसे पहले लेते हैं, यानी पहले मेथाइलेशन करवाते हैं देन हम सेलेनियम यानी ग्रुप को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड नंबर का जो पार्ट था इसमें देखिए केस सेकंड में क्या किया, हमने बस स्टेप चेंज कर दिया, अब मेथिलेशन पहले कर रहे और एलडीएस और पीएस सेलेनियम का जो सेलेनियम ग्रुप है उसे बाद में जोड़ रहे, उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों कंडीशन में आपके पास डबल बॉन्ड की पोजिशन चेंज हो जाएगी। अगर आप पहले सेलेनियम का एल्किलेशन करवाते हैं यानी सेलेनियम को एज इलेक्ट्रोफाइल के रूप में लेते हैं, उस कंडीशन में आपके पास जो डबल बॉन्ड बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। शॉर्ट ट्रिक से मैं बता दूं, यहां पे मैं अभी इसको मैक्रीन के थ्रू भी बताने वाला हूं, तो जस्ट वन मिनट। तो ये डबल बॉन्ड यू रहेगा, अगर आप मैथिलेशन पहले करवाते हैं और सेलेनियम इलेक्ट्रोफाइल को लास्ट स्टेप में जोड़ते हैं, लाइक मैथिलेशन हमने पहले करवाया और सेलेनियम इलेक्ट्रोफाइल को सेकेंड पार्ट के अंदर जोड़ा फिर H2O2 लिया, तो उस कंडीशन में आपके पास जो शॉर्ट ट्रिक से डबल बॉन्ड बनेगा वो ये वाला डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, जिसे मैं ग्रीन हाईलाइट करता हूं दिस वन। ओके, ये आपका रहेगा, जस्ट वन मिनट, ये कोई रिलेट नहीं हो रहा, मैं इसको हाईलाइट करता हूं पिंक से, जो मैं बताना चाहूं दिस वन डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए इसके बारे में एक बार डिटेल स्टडी कर लेते हैं। देखिए, हमने पहले स्टेप में केस फर्स्ट में पहले हमको करवाना है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में लेना है एलडीए के बाद सेलेनियम मॉलिक्यूल, तो एलडीए आपने यूज में लिया तो मोर एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा, अभी इस पोजिशन के ऊपर किटोनिल अल्फा पोजिशन के ऊपर, यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, यहां पे बना इनोलेट। अब अगर आप इलेक्ट्रोफाइल सेलेनियम लेंगे तो वो कहां पे ऐड होगा, कौन से फेस में, माय डियर स्टूडेंट्स, वो ऐड होगा आपका डॉटेड फेस में। क्यों, डॉटेड फेस आपका ओपन फेस है और वहां पे आपको कोई भी स्टेरिक हिंडेंस काम नहीं कर रहा, तो डॉटेड फेस के अंदर मैंने ऐड करवाया आपको सेलेनियम पीएच। ओके, अब आपने वापस से एलडीए, यहां पे आपने वापस से एक स्टेप लगाई थर्ड, उसमें आपने लिया एलडीए एंड देन आपने बनाया फोर्थ के अंदर मेथिल एल्डिहाइड। ठीक, अभी यहां पे एक एसिडिक प्रोटॉन बचा हुआ है अब फेस के अंदर, ठीक है, ये अब फेस के अंदर एसिडिक प्रोटॉन है, एलडीए इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके आपके पास इनोलेट बनेगा, तो इनोलेट बनने पर सेलेनियम और इनोलेट पूरा मल्टी ऑन द प्लेन होगा, और वापस से जो इलेक्ट्रोफाइल है एमी वो कौन से फेस से आके अटैच होगा, वो डॉटेड फेस से आके अटैच होगा। ठीक है, डॉटेड फेस से आके अटैच होगा, तो सेलेनियम जो पहले डॉटेड पे था अब वो अब फेस में आ जाएगा, तो इसको ला लीजिए अब फेस के अंदर, सेलेनियम को अब फेस में लाइए। ठीक है, दिस वन इज सेलेनियम, दिस वन इज पीएच, और मिथाइल को डॉटेड में भेजिए, तो दिस वन इज मिथाइल। ठीक, देखिए, अब ये कार्बन जिसके ऊपर सेलेनियम डॉटेड पे है उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रो, इसका जो फिफ्थ स्टेप था वो लिख लेता हूं, फोर्थ के बाद फिफ्थ हमारे पास जो स्टेप था वो था H2O2 प्लस हिट, तो हिट्रो आइटम का ऑक्सीडेशन होगा, तो हिट्रो आइटम का ऑक्सीडेशन मैंने करवाया यहां पे, सेलेनियम का हो गया ऑक्सीडेशन, दिस वन सेलेनियम, दिस ऑक्साइड बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये पीएच है, और यहां पे डॉटेड के ऊपर आपके पास CH3 है। ठीक है, डॉटेड पे क्या CH3 है।
अब क्या होगा, देखिए सिम एलिमिनेशन परफॉर्म होगा, सिम एलिमिनेशन के लिए मेरे पास एक कार्बन को मैं लेबल करता हूं गेन से। इस कार्बन के अल्फा पोजिशन पर दो कार्बन है, लेफ्ट साइड का जो कार्बन देखो जिसे मैंने हाईलाइट किया दिस वन, लेफ्ट साइड पर जो कार्बन है उससे अटैच हाइड्रोजन डॉटेड पर है, तो सिम एलिमिनेशन ये परफॉर्म नहीं कर सकता लेफ्ट साइड वाला हाइड्रोजन। अगर मैं राइट वाला हाइड्रोजन के राइट वाले इसके राइट में कोई कार्बन देखूं तो ये वाला है जिसे मैं हाईलाइट करता हूं पिंक से, और इसके ऊपर तो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसके ऊपर भी सिम एलिमिनेशन नहीं होगा। अब क्या दिक्कत आती है, दिक्कत क्या मतलब यहां पे ट्रिक है, हुआ क्या, देखिए अब मैं एक टेट्रा, ये जो ग्रीन मार्क वाला मेरा ग्रीन मार्क वाला जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रल कार्बन है, मैं उसको वापस से रीड्रॉ करता हूं। ये देखिए दिस वन, इतना मैंने पार्शन काट दिया, इनमें ये पोर्शन सिर्फ ले रहा हूं, जो पोर्शन में यूज में ले रहा हूं वो सिर्फ इतना ले रहा हूं, ये और ऊपर वाला। और फिर अब फेस के अंदर कौन है सॉरी सेलेनियम पीए दिस वन ओ माइनस, और डॉटेड के ऊपर क्या है सी एच थ्री। अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट कराऊं तो क्या होगा, देखिए 90 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो आपके पास जो मॉलिक्यूल बनेगी वो समथिंग लाइक इस टाइप से मिलेगी, जो अभी डॉटेड के अप एंड डाउन जो फेस के अंदर है, और 90 डिग्री का जो रोटेशन भी देना है वो कैसे देना है ये भी दिक्कत है। उसके लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस आप लोगे वो ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस लोगे, ठीक है, ऐसे आपको 90 डिग्री का रोटेशन देना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास दिस सेलेनियम जो है आपका यहां पे आ गया ऑन द प्लेन, ये ऑक्साइड बन गया, ये पीएच है, और ये आपके पास सी एच थ्री है, तो इसका एक एच यहां लिखा दूसरा एच यहां पे इस टाइप से। और जो आपके दिस जो वेज लाइन से मैंने सब स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया, ये एक जाएगा अपर साइड में और एक रहेगा डाउन द फेस में, मैं हाईलाइट करता हूं अलग से, ओके। तो अब देखिए मैं जो बताना चाहता हूं, ये आपका कार्बन हाइलाइटेड, इसके साथ सेलेन ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, और इसके अल्फा पोजिशन पे ये कार्बन है और इसके साथ ये एच है, तो दोनों सेम फेस में होगा ऑन द प्लेन सेम फेस में, तो ये क्या कर सकता है एलिमिनेशन परफॉर्म कर सकता है, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुए, ये सेलेनियम बाहर चला गया, मीन्स दिस कार्बन और दिस कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल गया, ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये आपका ऊपर की ओर एक था, ये नीचे की ओर एक था, मीन्स आपका जो मिथाइल सबस्टिट्यूएंट था ये वाला, अब इस मिथाइल सबस्टिट्यूएंट जो कि मैं हाईलाइट किया है मैंने एक्वा कलर से, और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ओके। तो मैं अब आपको डबल बॉन्ड यहां पे बना देता हूं, जो मुझे डबल बॉन्ड देखने को मिला वो कहां पर मिला, दिस एंड दिस, ओके, ये मेरा हो गया प्रोडक्ट, यही मेरा प्रोडक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी निकला। अगर आप देखना चाहो तो ये देखिए, ये दिस वन एंड दिस वन, इस पर्टिकुलर कार्बन पे ऊपर की ओर मिथाइल जो था उसके साथ डबल बॉन्ड देखने को मिला है। ऐसा कब हुआ, जब फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने इलेक्ट्रोफाइल को, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल को आपने अगर सेलेनियम लिया है और सेकेंड पार्ट में मिथाइल लिया है, तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो आपको मिलेगा फाइव मेंबर रिंग के ऊपर एक जो मिथाइल है उसके साथ डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब यही केस अगर मैं थोड़ा उल्टा करता हूं, मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या लेता हूं, ये केस नंबर सेकंड है, दिस वन इज केस नंबर सेकंड, इसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने लिया एलडीओ विथ मिथाइल हाइड्राइड, तो पहले क्या होगा, पहले एल्किलेशन होगा, ये एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, और यहां पे जो मिथाइल आके जुड़ेगा वो डॉटेड फेस पे जाके जुड़ेगा, क्योंकि डॉटेड जो कंडीशन है या डॉटेड साइड है वो ओपन साइड है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, तो यहां पे मैंने जोड़ा डॉटेड के ऊपर CH3। इस कंडीशन में भी अभी एक आपके पास यहां पे एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है दिस वन, ठीक है। अब आपने सेकंड पार्ट लिया, क्या लिया, एलडीए विथ इलेक्ट्रोफाइल आपने लिया सेलेनियम, सेलेनियम का कोई ले लिया, PHCl ले लिया, तो अब आपके पास क्या होगा, जो सेलेनियम इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो डॉटेड पे इससे जुड़ेगा और CH3 अब फेस में आ जाएगा, तो सेलेनियम को भेजो डॉटेड पे और CH3 को ले लो अब फेस के अंदर, तो ये CH3 अब फेस में। अब देखिए फिफ्थ स्टेप, जो फिफ्थ कंडीशन थी वो क्या थी, H2O2 0 डिग्री सेल्सियस, तो सेलेनियम का क्या होगा, सेलेन ऑक्साइड बनेगा, तो बना दीजिए आप
डॉटेड के ऊपर सेलेनियम, दिस इज ऑक्साइड, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पीएच, और इसके अब फेस के अंदर सीएच थ्री। अब सिन एलिमिनेशन के रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है माय डियर स्टूडेंट, सिन एलिमिनेशन के लिए सेलेन ऑक्साइड एंड इसके नेबरिंग कार्बन पे जो प्रोटॉन है या हाइड्रोजन है वो सेम साइड में होना चाहिए। तो देखिए ये कार्बन इसका नेबरिंग और इसके साइड में जो प्रोटॉन है वो भी डॉटेड पे है, तो अब इसके अंदर रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है। ये ऑक्साइड एच को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, दिस बाउंड इलेक्ट्रॉन गोज टू हेयर एंड दिस सेलेनियम गेट एलिमिनेट, तो ये हो जाएगा आपका एलिमिनेट। ओके, तो अब आपके पास क्या मिल गया, जो डबल बॉन्ड है वो यीस्ट कार्बन के बीच में ग्रीन हाईलाइट करता है, उनके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो अब आपको डबल बॉन्ड बनाना है, तो आप कीजिए पहले इसको मिटाइए, ये आपका हुआ रद और आपने यहां पर बना दिया डबल बॉन्ड और एक मिथाइल सब स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ है। अब डबल बॉन्ड होने के कारण वो ऑन द प्लेन ही रहेगा, दिस इज सी एच थ्री। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, प्रोडक्ट बन गया, ये मेरे पास बन गया प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो शॉर्ट ट्रिक से प्रोडक्ट निकाला उसके सेम ही है। देखिए यहां पे भी जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है दिस वन, सॉरी जो डबल बॉन्ड आपको ये दिख रहा है, ये और हमारे जो अभी डबल बॉन्ड बना ये वाला दोनों सेम है। ठीक है, तो के सेकंड में मैंने जस्ट क्या किया था, पहले एल्किलेशन करवाया, देन आफ्टर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में सेलेनियम को लिया, तो जाके सिन एलिमिनेशन से मुझे इस पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड मिले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बहुत ही क्वेश्चन कई बार पुट आउट होते हैं, हमें ध्यान देना होता है कि लास्ट स्टेप सेलेनियम कौन से फेस में है, क्या वो डाउन फेस में है या फेस में, अगर डाउन फेस में है, अगर लास्ट स्टेप में सेलेनियम डाउन फेस में है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, अगर लास्ट स्टेप में सेलेनियम आपका अप फेस में रहता है तो जो डबल बॉन्ड है वो इस मिथाइल के साथ बनेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक, तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आई होप आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।